आज मैं बिना तले हुए पकोड़ा कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। गैस पे एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों की तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तेल गर्म हो चुकी है, 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक चुकी है। अब इसमें हम 2 बड़े साइज की प्याज बिल्कुल चॉप करके ले ली हूँ, तो इसमें डाल देना है। अब हल्का ब्राउन होने तक हम प्याज को भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम कुटी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच में ली हूँ नमक। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसमें 2 टमाटर मैं पीस करके रख ली थी, तो टमाटर इसमें डाल देना है, पीसी हुई टमाटर। गैस की फ्लेम हम लो रख के मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। तब तक मसाले हमें भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाला अच्छे से भून चुकी है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है मसाला। अब इसमें 1 कटोरी फ्रेश दही हम डाल देंगे, अच्छे से फेंट करके डाल देना है और इसको हम फटाफट चलाते जाएंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं, मसाला में अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। फिर से थोड़ी देर हम मसाला को पका देंगे। बॉल ले लेंगे, उसमें 1 कटोरी बेसन डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देना है। एक पिंच के बराबर हल्दी पाउडर डाल देना है। एक पिंच हम हींग डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन फेंट लेंगे, जैसे हम पकोड़ा के लिए बेसन बनाते हैं उसी हिसाब से इसको हमें फेंट लेना है। बहुत पतला नहीं करना है ना बहुत मोटा करना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसको फेंटना है अच्छे से। बेसन को अच्छे से फेंट ली हूँ, देखिए बिल्कुल हल्की हो चुकी है, तो हमें इतनी गाढ़ी चाहिए। अब इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देना है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी हाथ पे रगड़ के हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालना है तो डालेंगे, 1/2 चम्मच हम सब्जी में भी डाली थी। 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, देखिए बेसन में हमारा सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मसाला अच्छे से भुन चुकी है, चारों तरफ से मसाला तेल छोड़ दिए हैं।
अब इसमें आधी गिलास पानी डाल देना है। एक उबाल आने देंगे हम इसमें। एक उबाल आ चुकी है सब्जी में, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे एक चम्मच। अब इसमें जो बेसन मसाला प्याज सब मिला ली हूँ, अब इसका हम इसमें पकोड़ा, ऐसे ही गैस कम नहीं करना है हमें, मीडियम फ्लेम पे रखना है। और इसमें आपको हाथ से या चम्मच से जैसे आसान लगे, इसमें हम एक एक डालते जाएंगे, एक ही जगह पे नहीं डालना है, हटा हटा के डालते जाएंगे हम इसमें। पकोड़े की तरह आप लोग छोटे बड़े इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसे तुरंत नहीं टच करना है, थोड़ी देर उबलने देना है सब्जी के साथ। देखिए सारी पकौड़ा अपने आप ऊपर आ चुकी है, तैरने लगी है, तो बहुत ही सॉफ्ट ये पकौड़ा कड़ी बन के तैयार होती है, बिना तले हुए पकौड़ा की कड़ी। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसको 2 मिनट हम और उबलने देंगे। तले पकौड़ा कड़ी मैं आज बनाई हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। गैस बंद कर देंगे अब हम। सब्जी बनके तैयार हो गई।